નમસ્કાર આપની સાથે હું છું શેલ્વી ચૂંટણી નજીક આવતા હવે જાતિના નામે રાજકારણ શરૂ થયું છે તો આ રાજકારણ શરૂ થયું છે પીએમ મોદી અને રાહુલ ગાંધીની વચ્ચે તો વાત એ છે કે સંસદ ભવનમાં પીએમ જ્યારે ભાષણ આપતા હતા ત્યારે તેને કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસને આટલો મોટો ઓબીસી નહીં દેખાતો હોય ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ આ બાબતને લઈને પ્રહાર કર્યા હતા અને કહ્યું હતું કે પીએમ ओबीसी નથી તેનો જન્મ ओबीसी માં થયો જ નથી ત્યારે આ મુદ્દાને લઈને સક્તિશી ગોહિલે સવાલો પૂછ્યા છે શું સવાલો પૂછ્યા છે સક્તિશી ગોહિલ તે જોઈ આગળ વિડિયોમાં મેરે સવાલ હે અબ જિનકી ફિદ્રત બીજેપી મે ડોક્યુમેન્ટ ટેમ્પર કરકે કરને વાલે વો જવાબ ના દે મુજે મોદીજી ખુદ દે ઓર કહે તો बहस करने के लिए मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं फेक डॉक्यूमेंट करते हैं आपको पता है सबको कि जब डिग्री वाली बात आई तो एक बीजेपी के नेता ने ऐसी आपको दिखा दी कि डिग्री तो है पर किसी ने फिर अच्छे जर्नलिस्ट ने जो मोडिया नहीं थे डरे नहीं थे उन्होंने एक एनालिसिस करके दिया कि भाई ये डिग्री जिस फॉन्ड में है वो फॉन्ड्स उस जमाने में थे नहीं तो ये डिग्री उस फोन में कैसे बनी उसके बाद ये दिखाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट आप गूगल में डाल के देखो कि इस नंबर का डॉक्यूमेंट क्या खुलता है कुछ और खुलेगा आपको तो वो नहीं मोदी जी खुद जवाब दें कि आपने अपने को पिछड़ी जाति कहा कौन से लिस्ट में आप तो मोदी हो गुजरात में जो घाची होते हैं वो लिखते हैं मोदी घाची गुजरात में तेली होते वो हो लिखते हैं मोदी तेली अपने सरने में ही लिखते हैं मोदी घाची मोदी तेली मोड घाची मोड वणिक अगर नहीं है उसमें तो मोड वणिक लगते हैं सिंपल मोदी मींस सिंपल मोदी मिन्स जो पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम मोदी समाज से हैं हम गुजरात के वणिक समाज से हैं, सुपर अपर कास्ट है और इन्होंने ये भी कहा उस ट्रस्ट के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब उन्होंने पूर्णेश मोदी जी ने कोर्ट के अंदर जब बोल रहे थे तो ये भी बोले कि किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है मोदी अगर इतना झूठ क्यों अगर आप रियल में आप सही में सबसे बड़े पिछड़ा हो तो कहते हैं कोई ऐसी कास्ट है ही नहीं पर उन्होंने कहा सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं मैंने कहीं कोई सी नोटिफिकेशन में देखा नहीं कि कोई अलग से फिर सबसा बेड़ा होता है माने ये ना घाची है ना तेली है ना किसी लिस्ट में है ये मोदी है पूर्णेश मोदी जी ने खुद स्वीकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यापार करने वाली कम्युनिटी में है उस सुपर रिच में जो माने जाते हैं उसमें वो लोग हैं और यहां पर देश में लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं तब मेरे मोदी जी से कुछ सवाल है पहला सवाल कि बंबई के उस मोदी समाज ने आपको जब सीएम बने और कहा कि फ्रॉम अवर मोदी समाज जो कि बड़े व्यापारी और सुपर रिच है उनमें से पहला मुख्यमंत्री बना है उसके मैगजीन में आपके इश्तिहार और फोटो छपे आपने क्यों नहीं कहा उस वक्त कि बोल जाओ भैया मैं तो पिछड़ा हूं मैं घाची हूं मैं तेली हूं मैं ओबीसी हूं कुछ नहीं कहा अगर आप घाची थे तो आपकी सरनेम के पीछे मोदी घाची आना चाहिए अगर आप तेली हो तो गुजरात में सब लिखते हैं मोदी घाची लिखते हैं मोट घाची लिखते हैं मोट तेली लिखते हैं सिंपल मोदी में व्यापारी कम्युनिटी जो पूर्णेश मोदी ने कहा वो तो आप इसका खुलासा करें मेरा दूसरा प्रश्न अगर आप कहते हो कि आपके चट्टे बट्टे कहते हैं तो, तो मुख्यमंत्री बने उससे पहले इन तीन जातियों की अंदर आ गए थे सब तो ये डॉक्यूमेंट आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद फर्स्ट जनवरी 2002 में क्यों निकला और इसमें कहीं पर भी मोदी नहीं है कहीं पर मोदी नहीं है तो इस नोटिफिकेशन भी आपको कैसे लागू होता है आप बताइए थर्ड श मोदी सूरत कोर्ट में केस दर्ज करते हैं और वो कहते हैं कि गुजरात में मैं मोदी समाज से हूं और हमारे मोदी समाज ट्रस्ट में हम घाची तेली इसमें से किसी को नहीं मेंबर बनाया जाते हैं इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए आपको इसका मतलब साफ हुआ कि आप उन जातियों में हो ही नहीं जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र है चौथा मेरा सवाल है कि अगर आप पिछड़ी जाति से हो तो आप गोलवरकर जी की वो सोच का विरोध क्यों नहीं करते हो आरएसएस के गुरु गोलवर्कर जी ने कहा था इवन रेकग्नाइजिंग एससीज और एस थिंकिंग इट इज अ ब्रेज टू जलेयस एंड कॉन्फ्लिक्ट ही सेड रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एस टीज वुड मेक देम स्लेव विद द ल्यूर ऑफ मनी उसके बाद मोहन भागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट किया था फिर वो टर्न कर गए थे मैं मोदी जी को सो कहता हूं गोलवलकर जी की ये बात जो थी कि SC, को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए इससे एक जलसी पैदा होगी उससे सहमत हो या नहीं 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी जब 26 प्रतिशत का रिजर्वेशन लाए तब जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर जी का और इन रिजर्वेशन का विरोध किया था आप उस विचारधारा से आपका आज मत क्या है माय 1981 में श्री माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 21 प्रतिशत रिजर्वेशन आया ओबीसी का उस वक्त पे एबीपी और बीजेपी ने एजिटेशन किया था विरोध किया था जेल में भी गए थे तो आप इसमें सहमत हो या नहीं और आखिरी सवाल आप भी उसमें शामिल थे मोदी जी जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई देश में ओबीसी के आरक्षण की बात का अगर विरोध किसी ने किया तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी इसको आप क्यों भूल रहे हो तो राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सरासर सही है कि ना ये घाची है ना तेली ना पिछड़ी जाति से है ना इसकी सरनेम में कहीं पर मोदी के बाद कुछ नहीं है और पूर्णेश मोदी ने राहुल जी के खिलाफ किए केस में एक क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि मोदी सिर्फ लिखा इसका मतलब वो व्यापारी है सुपर अपर कास्ट है और इससे पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है इवन अपने ट्रस्ट में वो घाची तेली ऐसे को मेंबर भी नहीं बनाते हैं ये ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के रिकॉर्ड में आया और एक्सेप्टेड फैक्ट है ये मैं चीजें आपके सामने रखी है